अरे भाई मैं ना कुरान मजीद के हवाले से जब भी आ, कुछ पढ़ता हूँ तो बहुत से ऐसी पॉइंट्स पॉइंट्सन में आते हैं जो बाज़त बहुत स्ट्राइकिंग होते हैं हुँ. और इस तरह स्ट्राइकिंग होते हैं कि मुझे लगता है जैसे कि क़ुरान मजीद इज़ एक्चुअली स्पीकिंग टू अस इन द कॉन्टम्प्ररी टाइम्स तो मैंने देखा कि जो बंदा न्यू हो जो कुरान मजीद को जो है ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूली स्टार्ट किया हो बात तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाता hmm. उसको hmm. एक ना डिसकनेक्ट फील होता है hmm. तो मैं चाहता हूँ कि वन uh, यू uh, आप थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालें कि जब आप मिसाल के तौर पे कुरान स्टार्ट करते हैं अगर हम पहले चैप्टर की बात करें चैप्टर नंबर वन यानी पहले जुज़ की और सूरत फातिहा को हम देखें सो वर इज़ द वे हाउ हाउ यू लुक एट दूरतुल्फ़ा और किस तरीके से आप उसको देखते हैं कि वो आपको मॉडर्न टाइम्स के जो चैलेंजेस हैं या फिर जो आपके इश्यूज़ हैं उसके हवाले से गाइडेंस दे रही है या फिर जनरली यानी कोई ऐसी चीज़ इसको आप अप्रिशिएट कर सकें अपनी ज़िंदगी में रिलेटेबल बना रिलेट कर सकें उसके साथ किसी न किसी एस्पेक्ट से जरा किला बिल्कुल मीरा आपने सही कहा कि कुरान में तो पूरा एक समंदर है अलहमदिल्ला और मैंने जब कुरान पहली बार खोला था तर्जमे के साथ मुझे याद है इट सेकेंड ईयर ऑफ माई यूनिवर्सिटी तो मुझे नहीं आइडिया था कि सूर्यबकर कहाँ है सूर्य आमरान इमरान का बिल्कुल वो पढ़ा ही नहीं था कभी ऑब्सली तो अलहमद ला जो पहली वर्ष मेरे सामने आई थी वो सूर्य अल इमरान की आई थी कि डो नॉट बी सैड इफ़ यू आर मोमिन यू विल बी सक्सेसफुल अलहमदल तो मेरा जो एक्सपीरियंस था ना कुरान के साथ पहला वो तो बहुत एक कह लीजिए हार्ट टू हार्ट एक्सपीरियंस था यानी उस उन उन दिनों में मैं गुजर भी बहुत मुश्किल से रहा था कुछ ऐसी चीज़ें यूनिवर्सिटी में चल रही थी पर्सनल लाइफ में तो लिटरली जब मेरे सामने वो आयत आई तो मैंने तो कहा कि अल्लाह सुबहाना तै मुझसे बातें कर रहा है लिटरली ये अल्लाह का जवाब है जो मेरे दिल में एक गम चल रहा था जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही थी अलहमद लाला सो येस आई थिंक कि इस तरह का रिलेशन हम कुरान से अगर बनाएं कि हम ये सोचें कि अल्लाह हमसे बातें कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें बड़ा फ़ायदा होगा सूर्य फातह ब्रो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अल्लाह ने तूर फातह Uh, तकरीबन तो हम सेवनटीन टाइम्स जो है वो पढ़ते हैं अगर सिर्फ फर्ज की जो है वो बात कर ली जाए और रिपीटडली हमें रिमाइंड कराया जा रहा है हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ वाई वी वर बॉर्न इन द फर्स्ट प्लेस और अल्लाह सुबहाना कौन है और सबसे बड़ी बात यह कि ईदी मुस्तकीम बिकॉज एवरी वन ऑफ एस इज़ इन सर्च ऑफ यू नो गाइडेंस एवरी वन ऑफ एस इज़ इन सर्च ऑफ द राइट वे द राइट पाथ तो वो हम अल्लाह से जब इतनी ज़्यादा दुआ करेंगे तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ मत चलाए तो आई थिंक दैट्स अ गेम चेंजर कि हम इसको ये स्पेशली जो है न मुस्तकीम इसको बहुत ज़्यादा फोकस और दिल के साथ पढ़ें देट दैट्स फॉर मी आपने पूछा सूरह फातिहा से अहमद भाई बिस्मिल्लाह हाँ जी आ, अच्छा सूरह फातिहा में ना हम एक दावा करते हैं हम सब और वह बहुत बड़ा दावा है अगर उस पर हम गौर करें ना ई या कहना अबूदू व ई या के नस्त एक तो जैसे अली अली भाई ने कहा ना कि हम एक हमारी एक रिक्वेस्ट है एक दुआ भी मांगते हैं अल्लाह ताला से दिन असरात मस्तकीम लेकिन उस दुआ मांगने से पहले हम एक दावा करते हैं और वह दावा क्या है कि हम अल्लाह तला की ही इबादत करते हैं और अल्लाह तला ही से मांगते हैं यानी इसमें एक ना एम्फेसिस है कि इट इज़ ओनली अल्लाह इट इज़ ओनली यू वी वर्शिप एंड इट इज़ ओनली यू फ्राम होम वी सीक हेल्प इसके ऊपर गौर करना ना बड़ा ज़रूरी है जैसे कि आपको पता है कि इब्दीम ने इसके ऊपर पूरी किताब जो है लिखी है मदार्किन जो कि नहीं। नहीं। आज फोर वॉल्यूम्स में छपती है सिर्फ इस ए, एक आयत के ऊपर जो एक दावा हम करते हैं कि अल्लाह ताली तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं तो ये जो हमारा एक रिलेशनशिप है ना अल्लाह ताली के साथ इबादत का इबादत हमारी तरफ से है और फिर मदद उसकी तरफ़ से आती है इसको भी इंटरनालाइज़ करना और इसको भी समझना ना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि जब भी हम ये आयत पढ़ रहे हैं जैसे अली भाई ने कहा एटलीस्ट सेवनटीन टाइम्स तो हम पढ़ते हैं तो इसको इंटरनलाइज़ करना है कि यार आप क्या कह रहे हो और इसका मतलब क्या है और फिर अपना एक मुहासबा करना कि क्या वाकई में मैं, मैं अल्लाह ताली की इबादत करता हूँ या करती हूँ जिस तरह करने की ज़रूरत है या जिस तरह मेरे से रिक्वायर्ड है और उसके बाद अल्लाह से क्या अल्लाह से मैं मदद भी तलब करता हूँ सिर्फ hmm. तो मेरे लिए ना ये बहुत एक सेंट्रल और ये तो वैसे देखा जाए तो सुरा फातिया की भी एक सेंटर में आयत है बिल्कुल क्योंकि सात आयात हैं फातिया में और ये जो है ये चौथी आयत है जी तो मेरे लिए ये बहुत पावरफुल एक चीज़ है इसके बारे में ना हमें गौर करना चाहिए कि जो हम दावा करते हैं कि हम इस पर पूरा भी उतरते हैं कि नहीं, नहीं जैसे हदीस के मुताबिक हदीस में आया ना कि कसम तो सलाहत बनी वीन आबदी कि मैंने अल्लाह के अल्लाह ने फरमाया कि मैंने नमाज को यानी इस फातिया को नमाज बकायदा का इसको दर डिवाइड कर दिया आधा और इस आयत के अंदर जाके डिवीजन होती है जहाँ पे हम कहते हैं कि अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और हम आपसे ही मदद मांगते हैं यानी वो डिवीज़न इसी तरह होगी ना कि का नाबुदू व ईया का नस्तिन इसके बीच में जो वाऊ है इससे पहले पहले सब अल्लाह की तारीफ है अच्छा यानी की तारीफ की तारीफ मालिक की तारीफ इबादत भी अल्लाह ताला है बही नहीं वह बइन अब दिन इस फैन कहा ना कि मेरे दरमियान और बंदे के दरमियान इसके बाद जो है विया का नस्त जो है मदद जो है किसके लिए इंसान के लिए और उसके बाद रिक्वेस्ट है अच्छा मैं अली भाई ने जब बात की ना तो मैं सोच रहा था कि हर एक का जर्नी कुरान के साथ जो है ना वो मुख्तलिफ अंदाज़ में होता है तो मैंने भी दो टीयर्स ऑब्जर्व किए अपने साथ साथन मजीद की जर्नी के एक तो सती तौर पर जो हम तर्जुमा पढ़ते हैं और जिससे एक हमें एक जो ना सर्फस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि हदायत के लिए बहुत ज़रूरी है दूसरी होती है तदब्बर वाली अंडरस्टैंडिंग जो कि आपको मैं समझता हूँ के साथ ही मिलती है टीचर्स के hmm, साथ मिलती है खुद अपने अकल के घोड़े दोहड़ाने से जो है ना वो बेहतर है कि बंदा टीचर्स के साथ बैठे right. तो सूरतफात में बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें से जो एक चीज मुझे बहुत प्रोफाउंड लगी वो हिदायत का कॉन्सेप्ट था hmm. उस कॉन्सेप्ट को आ, जो है डिस्कस करने से पहले आपको एक वीडियो दिखानी है मैंने आप सबको और उस वीडियो को दिखाने के बाद एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा Right, you got five seconds to grab whatever you want for free. One, two Hey you two. <laughs> Four five. whoa this guy wanted the okay, okay, okay okay, come on, come on it's okay. all right all right, you got it, you got it. You got all these how you, go? you must you must love these. अच्छा जी हमने वीडियो देखी अब मैं बारी बारी सबसे पहले मुगर आपसे पूछूंगा अगर आपको इन बच्चों की सिचुएशन में रखा जाता और आपसे कहता कि आप एक सुपर मार्ट हाइपर स्टार में हैं तीस सेकंड आपके पास हैं और आप इन तीस सेकंड में जो मर्ज़ी चीज़ चाहे जाएं उठाएं और ले सकते हैं प्रोवाइडेड के शॉपिंग सिर्फ आप कर रहे हैं आपके घर वाले कोई आपके साथ नहीं है, आप क्या उठाएँगे मेरा इंस्टेंट रिस्पांस तो ये होगा कि वहाँ पर जो सबसे वैल्यूबल चीज़ होगी डेफिनेटली कोई नाम बताएं अगर सुपरमार्केट है मैं तो कैश था था था। आ, <laughs> कैश को अगर वो इजाजत देता हूँ कैश उठाया जा सकता है अली भाई आप क्या उठाएंगे मैं उठाऊंगा <laughs> <laughs> <सबसे laughs> <चीज़ थे>, <laughs> <laughs> सही अच्छा अब यहाँ पे बात गौर करने की ये है जैसे कि अहमद भाई ने भी कहा कि सूरत फ्फा के शुरू में जो मुकदमा है वो अल्लाह की तारीफ है और असल में कहते हैं कि सूरत फ्फाहा एक दुआ है तो अल्लाह ने ख़ुद यहाँ पे दुआ का तरीक़ा भी सिखाया पहले अल्लाह ने अपनी तारीफ़ की हम की और इसको अल्लाह ने एक इंट्रोडक्शन बनाया और फिर उसके बाद जो है वो बंदा दुआ करता है अब अगर अल्लाह ताला बंदे के हाथ में छोड़ देता कि क्या मांगना है तो वो यकीनन हम अपने अपने मतलब के हिसाब से दुनियावी बेनिफिट के हिसाब से चीज़ें मांगते लेकिन उलमा कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताली को पता था कि इंसान सबसे ज़्यादा मोहताज हिदायत का है इसीलिए अल्लाह ताला ने ख़ुद सिखा दिया कि अगर मांगनी है तो हिदायत को मांगना है तो ये एक बहुत प्रोफाउंड की यहाँ से मुझे बात याद आई जैसे ना मदारिज में वो कहते हैं कि अल्लाह दो चीज़ों का वसीला है एक तो हम दो सना का वसीला आपने दिया दियाहमद लब्ला की तारीफ़ की और दूसरा वसीला आपने अबूदीत का दिया अल्लाह को ईया कना अबूद और इन दोनों वसीलों के बाद आपने मांगा क्या दिन और बड़ी मज़े की बात यह है ये हमारी शेख शेखानाज के साथ जो किताब रका की क्लास चल रही है उन्होंने भी शुरू में हिदायत के साथ एक बहुत आ, मज़े का नुकता बताया वो ये था वो कहते हैं कि अगर आप गौर करें अल्लाह तला ने कुर मजीद के अंदर जहाँ पे क्रिएशन की बात की है ना खल्क़ की बात की है वहाँ पे अल्लाह ने हिदायत को जोड़ा है साथ क्योंकि हिदायत कुरान मजीद में मुख्तलिफ मानी में शामिल होता है मिसाल उन्होंने दी अल्लज़ी खाल का फंसा हुआ वधि कद दरा फा यानी कि अल्लाह ने क्रिएशन की बात की फिर अल्लाह ने उसको हिदायत के साथ जोड़ दिया उन्होंने बात का इंट्रोडक्शन इस तरह दिया कि हम मजमुआ हैं असल में बॉडी का और सोल का अल्लाह ने बॉडी या खल्क के साथ जब बात की उसके साथ भी हिदायत को जोड़ा बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने जब रू की बात की उसके साथ भी हिदायत को जोड़ा जैसे कि सरा नूर की उस आयत में है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह नूर समावती वाल अर्ज। हु, 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 और उस हु, हु, आयत हु, के बीच में आगे जाके अल्लाह फरमाते हैं नूर उन अला नूर यहाँ पे पहला नूर से मुराद नूर फितरत है जिसपे अल्लाह ने हमें पैदा किया है और दूसरा नूर उमा कहते हैं नूर हिदायत है उसके बाद अल्लाह कहते हैं यह दिल्ला नूरी ही मैशा तो यहाँ पे देखें अल्लाह ने नूर हिदायत के साथ भी जो है हिदायत के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो ये एक बड़ी प्रोफाउंड चीज़ है इससे हमें पता लगता है कि जिस तरह आज की सेकुलर दुनिया ये समझती है कि तख्लीक में कॉस्मोलॉजी में हम क्रिएटर के मोहताज हैं बिल्कुल इसी तरह सोशल मामलों में फैमिली मामला में पोलिटिकल मामला में भी हम अल्लाह तक की हिदायत इट इज़ लाइक हमें ट्रायल करने की ज़रूरत ही कुछ नहीं अल्लाह ने ऑलरेडी एक रेडी मेड हमें दुआ भी दे दी है और जो मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव है जो हमारे तमाम मामला को सुलझा दील कहते हैं में जिक्र करते हैं कि सबसे जो नफ़ा बख्श दुआ मैंने पूरे कुरान में ढूंढी तलाश की कि मुझे मिल जाए तो सबसे नफा बख्श दुआ मुझे ईया का नाबुदैया का नस्ताइम खान अलाउ जैसे आप बता रहे हैं ना और कैम ने उसी कॉन्सेप्ट को फिर एक्सप्लेन किया अच्छा मैं इखवान इसमें ना जो सूरह फातिहा को जब मैं आज उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था तो जो मुझे बड़ा प्रोफाउंड वैसे तो माशा बहुत सी चीज़ें ये पूरा एक समंदर है ख़ासतौर पर जो अल्लाह ताला ने महजूब और वल्बा का जो है ना कॉन्सेप्ट जो जिक्र किया है शैतान जो है वो देखें हर बंदे को मुख्तफ अंदाज से गुमराह करता है तो उलमा की एक आजमाइश है जो शैतान करता है और एक आजमाइश जो है वो नेक लोगों की आजमाइश है तो उलमा की जो आजमाइश होती है वो अमल की होती है और नेक लोगों की जो आजमाइश एनि वुहत जो हैं जाहिदीन जो बहुत इबादत गुजार हैं उनकी आजमाइश इल्म की होती है यानी शैतान आम तौर पर नेक लोगों को इल्म की बुनियाद पर गुमराह करता है उनको ऐसे कामों पर लगा देता है ऐसी बदावत और ख़ुराफा में लगा देता है वो बेचारे जज्बे और बड़ा कुछ कर रहे होते हैं बहुत एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं अपने आप को लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रिटर्न कुछ नहीं मिलता बल्कि उल्टा उनके लिए वो बिदात की वजह से नुकसानदेह चीज़ होती है ऑन द कॉन्ट्रेरी को अल्लाह ताला किस तरह गुमराह करते हैं अमल अमल नहीं होता यानी इल्म तो बहुत है अमल नहीं है वो जो बात कर रहे हैं उसका इम नहीं है मकबूब वल्लिन का मुझे फ़र्क यही समझ आया और सुफियान मिनल्ला तैन उनका कॉल है वो कहते हैं कि हमारे में से जब भी किसी ने कोई गुमराह हुआ तो वो हमने उसको यहूद की यानी मुशात समझा ये शाहवी ने भी ना उसमें अपनी किताब जो है उनकी ना क्या नाम है जो उनकी तफसर की है फौजुल कबीर उसके अंदर उन्होंने जो उलमा, उलमा सू है उनकी मुशाबत जो है ना वो यहूद, यहूद से की है। है। बिल्कुल और इसी तरीके से वो कहते हैं कि हमारे उबाद जो हैं जो इबादत गुजार लोग हैं जब भी हमने उनको गुमराह देखा तो हमने उनकी मुशाबियत पाई किससे ईसाइयों से क्रिश्चियन से क्योंकि जो यहूदी थे उनके पास था वो इसीलिए मकजूब है उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ और जो ईसाई थे उनके पास की कमी थी अमल में थे अच्छे वो फॉलो करते थे प्रैक्टिस करते थे तो इबन कैय कहते हैं कि अल्लाह ने यहाँ पर इन दोनों अमराज की जो सुरफ आते है के अंदर सोल्यूशन भी बता दी एह दिन सुरतलमस्तकीम सोलूशन है क्रिश्चन्स की जो लोग अमल जिनके पास इल्म नहीं है अल्लाह हमें सीधे रस्ते की तरफ देखा हमें गुमराह ना होने दें इल्म की बुनियाद पर हम अमल कर रहे हैं एग्जॉस्ट कर रहे हैं अल्लाह हमारे जो अमाल जो हैं ज़ाया ना हो और इम कईम कहते हैं जो मर्ज है ना जो लैक ऑफ प्रैक्टिस का उसका अल्लाह ने कहा इैया का नाबुद इैया का, ना का नस्तानी ये उनका उनकी जो शिफा है कि अल्लाह हमें हमारे okay. हम तेरी इबादत करते हैं यानी हमें हमें तोफीक दे और दिन सरातलमस्तकीम भी उसमें शामिल है तो बहरा ये सुरफ आते हैं बड़ी प्रोफाउंड है माशाला इस पर तो बहुत कुछ बात किया जा सकता है मेरा okay. ख्याल है हमने चूँकि इस पर आज हमारा प्लान है कि इस चैप्टर को हम इस पर कुछ और भी रिफ्लैक्शन इन शेयर करें अली भाई आपकी तरफ इन शोब यू रिगार्डिंग सूरत बबकर कुछ हमारे साथ कुछ कुछ रिफ्लेक्ट जो आपकी है वो शेयर मीरा भाई सूर्य बकरा मैंने तकरीबन चार बार गो थ्रू की है और पढ़ाई भी है दो बार पढ़ाई है एक फादर्स का ग्रुप था उन्हें माशाल्लाह और घर में मैंने पढ़ाई माशाल्लाह खुद भी पढ़ा पढ़ाई भी अलहमद तो एवरी टाइम आई फाउंड न्यू लेसन टू तो बी ऑनेस्ट यानी ये कुरान का जो है वो एक खासा है अलहमद तो सूरह बकरा में बहुत सी चीज़ें हैं स्पेशली पहले पारे में लेकिन समथिंग रियली स्ट्रक मी जो मैंने अभी रिसेंटली अपने एक लेक्चर में भी यंगस्टर्स को मेंशन किया था दैट इज़ द इंसिडेंट जब मूसा uh, इस्लाम अपनी कौम को कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय को ज़िवा करो दिस इज़ सूर्बकर वर्स नंबर सिक्सटी सेवन अल्लाह से Uh, and recall when Moses Moses said to his people, indeed Allah commands you to slaughter a cow. अब ये पूरा वाक्य काफ़ी लंबा है तो मैं ज़रा उसको शॉर्ट करके बताता हूँ कि हुआ ये कि फिर उन्होंने कॉम्प्लीकेशनस में पड़ गए परफेक्शन में पड़ गए, वो कैसी होनी चाहिए कलर क्या होना चाहिए वो आया प्रेग्नेंट होनी चाहिए या नॉन प्रेग्नेंट होनी चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो जैसे जैसे वो सवालत पूछते गए वैसे वैसे मुश्किल भी उनके लिए बढ़ती गई और उनका टाइम भी काफ़ी उस पर लगा और आखिरकार वह उन्होंने ढूंढ ली और उसके बाद स्लॉटर की तो इसमें बड़ा एक प्रोफाउंड लेसन मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी की इंटेंशन ठीक है तो उसका मसला वैसे भी हल हो सकता है यानी इंटेंशन होनी चाहिए टू अबे अल्लाह मोस्ट ऑफ अस वी स्ट्रगल टू फाइंड यू नो अ पर्सन कि हाँ हम hmm. उसके पास जाएंगे तो हमारा मसला हल होगा जबकि मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह सुबहाना तआला की hmm. देखें वो लोग कोई आम सी गाय पकड़ के ज़िबा कर देते तो आई थिंक उनका मसला हल हो जाना था क्योंकि अल्लाह कि गायें ज़िबा करो बात ख़त्म हो गई अल्लाह का हुक्म बजा लाना है जैसे सहाबा अल्लाह का कोई भी हुक्म बजा लाने के लिए फ़ौन निकल पड़ते थे फ़ौर से अमल करते थे बल्कि वो एक हदीस में आता है ना कि दोज पीपल जो पुरस्त से स्पीड ऑफ लाइट से गुजरेंगे वो पूछा गया वो कौन लोग होंगे तो रसूल अल्लाहस फरमाया वह हैं जो नेकी में जल्दी करते हुक्म आया बस उस पर अमल कर लिया तो ये आ, आया मेरे लिए बड़ी स्ट्राइकिंग थी कि देखें बजाय वो फौरन पे अमल करते वो कॉम्प्लिकेशन में पड़ गए और इसमें तबक्कल का भी बड़ा लेसन मिलता है कि मदद करने वाली जात या मसले को हल करने वाली जात अल्लाह है तीसरा ये कि मुझे इससे ये भी समझ आती है कि देखें अल्लाह ताला का हो सकता है कोई हुक्म आपको समझ में ना आए लेकिन यू हैव टू ओबेट इट्स अ टेस्ट ऑफ ओबीडियंस कि अल्लाह से फाना जो जाए वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप ओबीडियंस शो करते हैं या आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या क्वेश्चंस में पड़ जाते हैं तो मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें बहुत से लोग मसाइल लेकर आते हैं और वो ये ढूंढ रहे होते हैं अहमद भाई कि ना फलाना बंदा मेरा मसला सुनेगा तो मेरा मसला जो है हल होगा इसका मतलब है कि उनका तवक्ल उस बंदे पे है जबकि अगर वो अल्लाह से मदद तलब करें अल्लाह करें, तो एक आम से बंदे से हो सकता है, तो अच्छा है ना फ्राम सूरतहां टूरतरा ये भी बहुत खूबसूरत है इसमें भी देखें ना हम सूरा फातह में जैसे भाई ने कहा ना कि हिदायत के लिए दुआ करते हैं अल्लाह तला से हिदायत मांगते हैं सूरा बकरा जब शुरू होती है कि ये किताब है हिदायत की तुमने मांगी हिदायत हमने तुम्हें यह किताब दे दी अब इसको पढ़ो और इसमें से हिदायत तलब करो और हिदायत वही लोग तलब कर सकेंगे जो एक प्री कंडीशन ले के आएंगे वो प्री कंडीशन क्या है तकवा कोई ना कोई सेंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस कोई ना कोई सेंस और वह किताब को अप्रोच भी करें उस नीयत के साथ तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ओरटलिस्ट हैं बहुत ज्यादा वेस्ट uh, में भी लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो आपसे मेरे से बेहतर अरबी जानते हैं लेकिन वो जब कुरान को अप्रोच करते हैं वो एक तकवे की लेवल के ऊपर या उसमें से हिदायत हासिल करने के लिए उस नीयत से उसको अप्रोच नहीं करते या उनके अंदर वो मादा नहीं right, होता right. फितरत वाला जो खुदा को पहचानता हो hmm. तो उससे फिर उनके लिए जो है ना ये किताब फायदेमंद नहीं होती तो सूर्य बकरा में शुरू ही में ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि अगर इस किताब से हिदायत अखज करनी है अपने वो खत्म कर दो एक खुदा का एतराफ़ करो इस किताब से पहले ही तुम्हें पता होना चाहिए कि खुदा एग्जिस्ट करता है वो तुम्हारी फितरत का है माइंड बेहतर न्यूट्रल प्री कंसीव नोशन और उसको फिर आ, और इसे हिदायत अखज़ करने की इंसान कोशिश करे दूसरी चीज़ जो सूर्य बकरा के बारे में मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है वो ये है कि अगर आप इस सूरत का पूरा स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये 286 हंड्रेड एंड एटी सिक्स आयात हैं एंड टू एंड हाफ पारे हैं hmm. जिसके ऊपर जो है ना सूरत है और अगर हम देखें शुरू में अल्लाह सुबह जो है ना वो यहूदियों के बारे में बात कर रहे हैं एंड कि उन्होंने अल्लाह तला की इन आमात hmm. के इन आमत के मामले में जवाब कैसे दिया Say. क्या उनका रिस्पॉन्स था डिड दे कम विद शुकर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए एक मुसलमान कौम क्योंकि मूसा मुसालाम के वो फॉलर्स थे अपने जमाने में वो मुसलमान थे वो कैसे रिस्पोंड करती है तो अल्लाह ताला, ताला फिर आदाब देता है उनको तो वो सूरा बकरा में शुरू में है फिर आपको पता है कि बिल्कुल मिडल में सूरत बकरा के तहवील क़िबला है जी कि जहाँ पर हमें पता है कि रसूलसन जब अस्था। मक्का में थे तो किबला जो था मुसलमानों का वो जरूसलम में था जो कि यहूद का किबला है तो आप देखेंगे यहूद के बारे में बात हो रही है किबला भी तब उन्हीं की तरफ है ठीक है अच्छा जैसे ही चेंज ऑफ किबला होता है बकरा की मिडल में उसके बाद यहूद के बारे में कोई बात ही नहीं है बकरा में हुँ, हुँ, उसके बाद सारा जो डायरेक्शन है ना वो मुसलमानों की तरफ हो गया तो ऐसे लगता है कि वो चेंज ऑफ किबला भी है ना वो एक चेंज इन डायरेक्शन है कि पहले यहूद के बारे में, बारे में बात हो रही है बकरा में उसके बाद जो है ना डायरेक्शन मुसलमानों की तरफ चला गया एंड उन दोनों में भी जो है ना पैरल्स हैं कि अल्लाह ताला ने यहूद को कवानी दिए और उन्होंने उन कवान को तोड़ा उनके साथ जो है बुरा हुआ अल्लाह ताला ने उनको आदाब दिया इसी तरह किबला चेंज हो गया अब कवानी जितने भी आए हैं वो मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को बताया जा रहा है कि सब पीछे सब वाला मामला ना करना और उसमें कवानीन आप देखेंगे डिवोर्स के भी कवान है ये। रिबा के बारे में भी है

सूर फातह को से हम सूर्भ बकरा में पहुंच गए मेरी काफ़ी चीज़ें अभी सूरभ फातह की रहती थी लेकिन बहरहाल मैंने अपने सामने सूर्य बकरा खोली हुई है उसमें से भी एक आ, कुछ एक दो चीज़ें हैं उसके बाद मैं वापस आऊँगा सूर्य फातह पर अल्लाह ताली ने सरा बकरा को शुरू किया एक ऐसी ऑथरशिप के तरीके के साथ जैसी ऑथरशिप कहीं पर भी नहीं मिलती कोई भी ऑथर अपनी किताब को बहुत बड़े बड़े दावों के साथ शुरू नहीं करता यानी कि वो ज़रा नपे तोले यू नो कदम लेता है और फिर अपनी बात को इस्टैब्लिश करता है और फिर एंड पे कहीं जाके अगर दावा हो hmm. लेकिन कहते हैं कि अगर आप बकरा के शुरू में गौर करें तो अल्लाह ताला ने शुरू किया अलिफलामीम जैली कल किताबू ला रईबी हदलमुतकी यानी कि इट बिगेंस विथ कैटेगोरिकल अफर्मेशन कि इसमें किसी किस्म का कोई रैब नहीं है hmm. और रैब का तर्जुमा शक कर दिया जाता है ऑफकोर्स हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहे बट इसका काफ़ी जो है ना इससे ज़्यादा मानी है hmm. मैं जिस बात की तरफ आना चाह रहा हूँ भाई जो आपने बात की ना कि लोग यकीन तो ईमान तो ले आते हैं लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते अमल नहीं करते अगर आप शरा बकरा के शुरू में ये तीन चार आयात पर गौर करें तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के कुछ ट्रेट्स बताएं अगर आप गिने तो टोटल सिक्स ट्रेट्स हैं अल्लाह फरमाते हैं बिल ग़ैब वो जो कि गैब पे ईमान लेके आते हैं व युकी इमून जो नमाज को कायम करते हैं वमिम रज़कनाहुम युनफिकून और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं वल्लिन नबीमा उन जिला इली का और वो ईमान लेके आते हैं उस पर जो कि आप सल्हम पर नाजिल किया गया यानी कि वही कुरान वमा उन जिला मिनकबलिक और जो आपसे पहलों पर नाजिल किया गया वह बिल आखिरती हम यूकिन और आखिरत पे यकीन रखते हैं अब इन पाँच छह चीज़ों को अगर आप देखें ना तो अल्लाह तेसिकली सैंडविच किया है इफ़ यू लाव मी टू सेट लाइक दिस के शुरू में गैप की बात की फिर दोबारा एक गैबी उमूर की बात की कि ईमान लाते हैं वही पे और ईमान लाते हैं उस वही पे भी जो कि आपसे पहलों पे थी बीच में आ, ये गैब पे ईमान की बात करने के फौरन बाद अल्लाह ने जो दूसरी बात की वो एक्शन ओरिएंटेड होने की बात की यानी कि गैब के बाद वो बैठ नहीं जाते बल्कि वो क्या करते हैं वह यकीम उन्सल आता वी मारजना हम यानी कि इस हमें एक लेसन ये मिलता है कि महज ईमान सिर्फ थोलॉजिकल बातों का नाम नहीं है बल्कि ईमान के साथ अमल साल इसीलिए जगह जगह कुरान मजीद के अंदर इन दीना आमिन वमी खास तो एक्शन और ईमान और साथ साथ अच्छा मैं ना इसमें नजाकला खैर ये बड़ी अहम बात इन्होंने अहमद भाई ने की कि ट्रांजिशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और आप लोगों ने माशा इस पर कमेंट किया Uh, बड़ा इंटरेस्टिंग बात अगर आप गौर करें बड़ी सिंपल सी बात है कोई इंटरेस्टिंग क्या सादी सी बात है कि कुरानी मजीद का जब बंदा आगाज़ करते हैं मतलब अगर आप किसी एक ऐसे बंदे की परस्पेक्टिव से देखें जो फॉर एग्ज़ाम्पल हीज़ न्यू मुस्लिम वो कुरानी मजीद को खोलता है और वो उसको ये बताया गया कि अल्लाह की किताब है तो सबसे पहले कुरान मजीद सुरफात हस से है, जब आगाज़ करता है तो उसको कुछ आदाब और कुछ मैनर सिखाए गए हैं कि अल्लाह से मांगना किस तरह है और असल चीज़ मांगने वाली क्या है और उसके बाद आप देखें कि सबसे पहली जब सबसे प्राइमरी चीज़ किस पर्पज़ के लिए वो बेसिकली कर रहा है सक्सेस। और कुरान मजीद में दुआ के बाद सुरफात को दुआ भी सुरफ़ात का दूसरा नाम दुआ भी है जैसे कि हादीस में आता है तो सबसे पहले अल्लाह ने जिस सब्जेक्ट को एड्रेस किया है जिस टॉपिक को एड्रेस किया है वो है कामयाबी तो अल्लाह ने कहा जो हिदायत की मैंने बात की सुरफ़ात में जो असल चीज़ है असल में वही कामयाबी है यानी पहली आप पाँच से छः आया तो बकरा में एक बंदे का मसला हल हो जाता है अब आगे अल्लाह उसकी की तफासल है मतलब दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी यानी एक बंदा खोलता है इमेजिन करें कि उसको अगले यानी हाउ मच टाइम वुल इट टेक अराउंड टेन मिनट्स मे बी अगर वो थोड़ा बहुत ही और फिक्र से पढ़ रहा है ट्रांसलेट कर रहा है दस मिनट में उसको पता चल गया कि ये पूरे कुरान का मुद्दा ये है yeah. अगर उसके पास अल्लाह ने बसीरत दी <coughs> बहुत प्रफाउंड है अल्लाह सुहान अल्लाबकर की जैसे आप लोग बातें कर रहे थे माशाल्लाह इसके इसका स्ट्रक्चर जो है और इसमें एक चीज़ अखवान मैं बड़ा ख़ास तौर पर जो शुरू में अल्लाह अल्ला ने ती, तीन किस्म के लोगों का जिक्र किया कुफार का फिर मुनाफिकीन का फिर उसके बाद अल्लाह तैन ने मोमिनों का जिक्र किया मोमिनों को रसीयद की एक बड़ी इंटरेस्टिंग आयत जो आम तौर पर बड़ी कोट भी की जाती है मज़ाक में गंगे बहरे अंधे अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस कौम को गूंगे बहरे अंधे कहा था जो अपने अलावा लोगों को अजमी कहते थे गूंगे ठीक hmm. है ना अरब को अल्लाह ने कहा कि अरब अरबों hmm. को अल्लाह कह रहे हैं मुशरिकी hmm. मक्का को दे वुड फ्लाउंट ऑन देयर स्किल ऑफ लैंग्वेज सुभान अल्लाह के हम वो है। यानी जो अरबी नहीं बोल सकता था उनको ये गुंगा कहते थे आजमी कहते थे सुबह <laughs> यानी दे वो जस्ट पर्सन के ये तो कुछ भी नहीं इसको जुबान <laughs> बात करनी नहीं आती <laughs> उसको अल्लाह कह रहे हैं बुक -um बड़ी प्रोफाउंड है <laughs> बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह तौर ने यानी अगर आप दूसरी आयात देखें वहाँ पर अल्लाह ने इनकी लैंग्वेज के बारे में इंडिकेशन दिए कि कैसे जैसे कि सूरत में आयत नंबर उन्नीस में अल्लाह कहते हैं के फैदादू सकूकम भी हिदादिन अशतन आलखी के बाद में जब खौफ चला जाता है जंग का तो इनकी ज़ुबानें छुरीों की तरह तेज चलती हैं <laughs> और फिर एक और जगह पर सोलभ मुनाफिकून में अल्लाह कहते हैं का वहींम खुशबूमस उनकी फसाहत और बलागत के बारे में अल्लाह ने बातें की कि इतने फंसी और बलीग थे पता चला कि दुनिया के अंदर असल स्किल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है यानी स्किल अगर आपको अल्लाह ने दी है इंटर, आपकी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं आपकी कॉग्नेटिव एबिलिटीज़ हैं अगर उसके अंदर खैर नहीं है ना इफ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एंड इफ दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग देन दे आर वेस्ट यानी आप यूज उसको कैसे कर रहे हो अगर आपकी वो जो है वो आपकी फसाहत और बलागत और आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वो सारी शर पर इस्तेमाल हो रही हैं देन तो या फिर आप उसको यूज आप उसको यूज भी नहीं कर रहे सही तरीके से तो इसका मतलब है यू हैव नथिंग ला लाशी और अगर आप उसमें से कुछ खैर निकाल रहे हो तब वो असल में इसे पता चला कि हर अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ दी है उसका हक ही है कि हम उसको अल्लाह के लिए इस्तेमाल करें यानी ये सुबह बड़ा कुछ मैं इसमें से देख रहा था मीरा ये जो आपने आ, मैंने जो आप लोगों को वीडियो दिखाई है ना आज इस वीडियो को जब मैं सर्च कर रहा था तो मैंने साइकोलॉजी के कुछ आर्टिकल सर्च किए ये जो मैंने आपको बात बताई ना कि हमें अगर मौका दिया जाता तो हम तो पता नहीं क्या क्या मांगते अल्लाह ने हिदायत दी तो मैंने सर्च करने की कोशिश की तो ये एक आर्टिकल मुझे मिला कैंड्री uh, चैरी uh, ये एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं इनका एक आर्टिकल है इन्होंने दस चीज़ें गिनवाईं जो कि इंसान के सर्वाइवल के, के लिए आज के दौर में ज़रूरी हैं hmm. यानी कि अल्लाह के, अल्ला के नज़दीक वो एक चीज़ है वो हिदायत है और नफसियात क्या कहता है इल्म नफसियात क्या कहता है साइकोलॉजी क्या कहता है वो ज़रा देखें उन्होंने दस चीज़ें गिनवाई नंबर वन मोटिवेशन दोनों इंट्रेंसिक hmm. और एक्सट्रेंसिक नंबर टू लीडरशिप नंबर थ्री कम्युनिकेशन नंबर फोर इमोशनल इंटेलिजेंस और उसमें भी रेजिलियंस को इन्होंने सबसे ऊपर रखा यानी कि किस तरह आप नेगेटिव इमोशंस को और डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं नंबर फाइव डिसीजन मेकिंग नंबर सिक्स मेमोरी नंबर सेवन मनी मैनेजमेंट नंबर एट एकेडमिक सक्सेस नंबर नाइन प्रोडक्टिविटी और नंबर टेन हेल्थ आई एम श्योर आपको ये दस अभी याद नहीं हुए होंगे लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ हमें इंकार नहीं है इन चीज़ों से बिल्कुल लेकिन अगर हम पैराडाइम शिफ्ट करें एक बंदा मोमिन का ये सारी की सारी चीजें नूर उन अला नूर तब हैं जब ये नूर हिदायत के साथ शामिल हो यानी कि उससे ज्यादा मोटिवेशन किसको होगी जिसके पास हिदायत है उससे ज़्यादा लीडरशिप किसके पास होगी जिसके, जिसके, जिसके पास हिदायत है यानी कि आप देखिए ना ये मतलूब चीजें हैं इससे इंकार नहीं है आ, आ, लेकिन अगर इन पे फ्रेम हिदायत का लगा हो तो इससे ज्यादा कोई और खूबसूरत चीजें नहीं हो सकती इसलिए ये यानी कि नफसयात भी आ जाके मतलब जितने मर्जी आप अकल के घोड़े दौड़ा दें हमें पता लगता है कि आज आके हमें वही की तरफ जीशान भाई मैं ना आज बड़ा एक्साइटेड हूँ हमारे पास अली भाई भी बैठे <laughs> मैं अभी इसका इंतजार करूंगा भी कहने लगा था जादू भी और भी है वो एक चीज करूँ ये जीशान भाई आपने भाई बात शेयर किया ना जी जान भाई ने बात की अमल की और ईमान की और अल्लाह को हमेशा साथ साथ मेंशन किया जोड़े जोड़े में आमनु व आमिलसलिख इसी तरह जिस आयत से मुझे डर लगता है सबसे ज़्यादा शुरू में बकरा में और साहबा को भी बकायदा इस चीज़ से डर लगता था वो था वो आयत है ये जो आयत है ना ये बड़ी खौफनाक आयत है क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों में से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पे ईमान लेके आएँ और आखिरत पे ईमान लेके आए लेकिन असल में वो ईमान नहीं लेके आए यानी कहते वो हैं लेकिन अल्लाह ताला जो है ना उनके कहवे की नफी कर देता है उनके ईमान की नफी कर देता है अच्छा ये ये कौन लोग हो सकते हैं ये वो लोग तो हो ही नहीं सकते जो आज जिनको हम डिसबिलीवर्स कहते हैं क्योंकि वो तो दावा ही नहीं करते ये वो लोग हैं जिनमें आप और मैं उठते बैठते हैं या आप भी हो सकते हैं मैं भी हो सकता हूँ और सहाबा इस चीज़ से डरा करते थे तो सूरत बकरा में शुरू में अल्लाह ने ना तीन कैटेगरीज बता दी एक अहल ईमान बता दिए एक अल्लाह तला ने कुफ़ार का बता दिया लेकिन मुनाफ़ी का भी बताया और सबसे ज्यादा तो अल्लाह ने तफसील से बताया किसी के बारे में तो मुनाफ़ी के बारे में ताकि हम अपने अंदर भी निफाक पहचान सकें और इस चीज से इंसान जो है ना डरे और देखिये मैं निफाक की कैटेगरीज भी की हैं एक तो एहतिकादी है कि इंसान बिलीव करता है कि वो आ, उसको पता है कि मिसाल के तौर पर उसको पता है कि वो आ, मुनाफिक है और वो आ, जो है लिबादा ओढ़ता है मुसलमान होने का जो कि मदीना की रियासत में बहुत ज़्यादा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिसमें अब्दुल्लाह इब्न इबिनबाई जैसे लोग थे हुँ. लेकिन एक निफाक इस किस्म का है जिसको अमली ही कहती हैं कि कहने को तो वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन उसका अमल जो है वो बिल्कुल मुसलमानों वाला नहीं है और ये जो चीज है ना इससे बहुत ज्यादा डर लगता है खासतौर पे हमारे जमाने में आज क्योंकि आज बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस्लाम का दावा करते हैं लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी को जिंदगियों को देखें और वो अपनी जिंदगी को खुद देखें देखे अगर तो क्या वो इस आयत से बाहर निकले हुए हैं कि नहीं निकले हुए ये जो है ना बड़ा बड़ा की सवाल है और रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि आप जो हो ना अपने ईमान पर काम कर सकते हो ताकि आप उस फर्स्ट कैटेगरी में आ जाओ जिसके बारे में जीशान भाई ने बताया और उसमें फाइव क्वालिटीज़ जो है क्वालिटी की तो इस ये ये कैटेगरी जो ना बहुत खौफनाक और बहुत देने वाली कैटेगरी मुझे इससे याद है अभी रिसेंटली मैं एक क्रिकेटर है उनसे मिला नाम नहीं लूंगा लेकिन ये माशाला इज़ वेरी गुड ह्यूमन बींग एंड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू बी अ वेरी गुड मुस्लिम उन्होंने एक बात की विच रियली स्ट्रक मी इस साइड के अली भाई जब मैं देखता हूँ ना मुख्तलिफ लोगों की तरफ शायद वो बात कर रहे थे ओवरऑल सोसाइटी की या अपनी फील्ड के लोगों की लेकिन एनी वे इस साइड के जब मैं देखता हूँ ना हमारे लोगों की तरफ तो हमने कुछ अमाल ऐसे करने हैं एज हमने ज़िद लगाई हुई है रसूल अल्लाह से यानी एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट हमने चलना है जो हमारे नबी ने बताया हमने ज़िद लगा के ना ऐसा महसूस होता है जैसे जिद लगाई हुई तो दैट रियली स्ट्रक मी के यार वाकई अक्सर हम लोग ऐसे अमाल शायद कर जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि ये तो टोटली ऑपोजिट जो इंस्ट्रक्शन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो दी अख़ीम है इसमें ना एक ऐड आपने बहुत हिला देने वाली आयत ज़िक्र की है मुनाफिक के अल्लाह ने दो तरह के मुनाफिकीन एक तो आपने जिक्र किया और यकीन करें ये आयत मैं समझता हूँ कि वो बंदा बहुत बेवकूफ़ है जो समझे कि ये आयत हमारे लिए नहीं है और अल्लाह तआला ने आगे जो जिस अंदाज से और जिस सख्त टोन के साथ अल्लाह ने कहा अल्लाह यखदा हूँ यानी तुम अल्लाह को धोखे देते हो यानी तुम अपने ईमान के दावे करके तुम अल्लाह को धोखे देते हो इंसान को समझना चाहिए कि हमारा रब अगर हमें मुझे ये है बात यानी हम बज़ाहिर बहुत दावे कर रहे हैं ईमान के लेकिन हकीक़त में हमारा रब हमारे ईमान की नफी कर रहा है और इसी में दूसरे जो मुनाफिकीन का तस्करा किया ना वो आगे चल के जो यकादुल्बरक़ <स्थाथ> यकतफ़ु अबसारहम ये बड़ी बड़ी स्ट्राक्राइकिंग आयात हैं कि अल्लाह ताली ने वही को कुरान मजीद को बर्क़ रोशनी से और जो है बिजली से जो है उसको तशबी दी और कहा कि कि और ये मेजॉरिटी मतलब मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला हमारे बारे में बात कर रहा है कि दीन के मामले में जब रोशनी आती है आसानियाँ आती हैं और जब बेनिफिट्स है। आते हैं मजे लेने है। की बात आती है ईद की बारी आएगी सारे मुसलमान हो जाएंगे यानी द टाइम ऑफ ईद इज़ फॉर एवरी वन इवन यानी जो बंदा जिसने कभी कोई काम नहीं होगा वो भी ईद को उस उस लेवल से मनाएगा जैसे पता नहीं शायद ही डिजर्व मोस्ट ऑफ इट और अल्लाह माफ़ करे वहीदा वैदा उल्लम आकाम जब मुश्किल आती हैं खड़े हो जाते हैं यानी जब अंधेरे आते हैं जब आते हैं कुर्बानी देने की बातें आती हैं जब आती हैं सेक्रफाइस की बातें आती हैं तो देर स्टैंडिंग देयर डूंग नथिंग्सान्ला तो यानी ये चीज़ और मैं आ, और अखी ये जो यकादुलबरक यकफो अब सारूँ जैसे कि मुफसरिन ने बयान किया यहाँ पर मुराद जो है कुराने कुरानी मजीद का नूर है के करीब है या यानी करीब है कि ये बिजली जो है उनकी ये उनकी आंखों को ले जाए यानी मैं पहले समझता था, था कि अगर बाहर पड़े तो बिजली नेगेटिव माने में इस्तेमाल हुई कि अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ है लेकिन मैं मैंने कहा मुफसरीन कह रहे हैं और ज़ाहिर तफसील बिलमाथुर पर हम जब इतमाद करते हैं तो यही है इसका असल मतलब ये है कि ये नूरे हिदायत है नूर हिदायत उनकी आंखों को चक के ले रहे इन अदर वर्ड्स और वो बर्क है यानी वो इतनी तेज़ बिजली है इससे पता चला कि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं कि जितनी हिदायत मिलती जाती है उतनी ज्यादा वो मिसगाइडेंस में जाता शुरू। है आप देखिए वो वो इस तरह से उनके उस पर आपके ज़मीर पे ये भी समझा जा सकता जा... है अली भाई मैं ये देख रहा हूं कि इस दौर के अंदर दीनी इल्म कितना आसान है हर बंदे को पता हाँ। है ऑन वन क्लिक आपके पास हर चीज का जवाब मौजूद है यानी यू हैव एवरीथिंग यानी मुझे बताएं कभी सहाबा के पास ये एबिलिटी थी कि जिस तरह मुसहफ कितने फैसिलिटेटिंग अंदाज में हमारे पास मौजूद है मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेन हुई है आपके पास एप्स मौजूद फिंगर टिप्स लिटरली मैं कहता हूँ इतना कन्वीनियंट है और उतनी ज्यादा गुमराही है यानी कुरान इतन, तफसीर तशी हर किस्म की आपको लिंग्विस्टिक एनालिसिस आपको एजाज आपको देर एनी एक्सक्यूज दट डोंट अंडरस्टैंड कुरान इतना वाजे हो गया लेकिन उसके बावजूद जितना ज्यादा वाजे हुआ उतने ज्यादा वो गुमराह हो रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को अल्लाह उनकी बदबखती ये है कि जितना ज्यादा दीन उनको एक्सपोज जितना उनको दीन से एक्सपोजियर मिलता है बजाय वो दीन में अमल करने के वो अल्लाह माफ़ करे उनकी बदब्ती ये होती है कि वो दीन से जाते। भाग जाते हैं उतना दीन से भागते हैं जितना दीन का एक्सपोजर होता दिन अल्लाह ताला हमें बचाए मैं बस लास्ट अपनी इनसाइट शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि माशाल्लाह आपने भी, भी क्वालिटीज़ की बात की आपने बात की कि अल्लाह शुरू में पाँच और छः औसाफ़ जो है निशान ने भी बात की तो माशाल्लाह अल्लाह मेन्शन अ कैरेक्टर हु इज़ द फ़ादर ऑफ अम्बिया और इट इज़ एज़ इफ़ के अल्लाह व तआला ने सारी बात बता के यानी इस ब्यूटीफुल फ़्लो से उनका तस्कर आया इब्राहिम अलैहि सलाम की मैं बात कर रहा हूँ mm. कि वो सारे औाफ़ इब्राहिम अलैहि सलाम में कामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम अम्बिया में ओबियसली थे तो ये जो आयत है दिस इज़ वर्स वन टवेंटी फोर पारा वन की ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ वज़ब तला इब्राहिम रबू बी कलीम हुन्ना एंड मेन्शन मोहम्मद बन इब्राहिम वाज ट्राइड बाई हिज लॉर्ड विद कमांड्स एंड ही फुलफिल्ड दैम और उसके नतीजे में कौला इन्नी जा लिन्नासी इमामा एंड अल्लाह सेड इंडीड आई विल मेक यू आर लीडर फॉर द पीपल तो इसमें बहुत मोटिवेशन है हर उस इंसान के लिए जो मुश्किल से गुजर रहा है या हु इज़ बीग टेस्टेड बाय अल्लाह कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल वर टेस्टेड बाय अल्लाह सुफ़ाना वाली

तो ये आया I think इसमें आ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आगे से जवाब किया है वो मिन्रिय यानी अल्लाह <laughs> ताला ने बशारत दी कि हम तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाएंगे हुँ. अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई इस तरह खुशी का इजहार नहीं किया उन्होंने बाकायदा सवाल किया और मेरी औलाद और मेरी जो नस्लें हैं uh, तो in वो in ही फॉरवर्ड थिंकिंग है और अल्लाह ताला से उनकी हाई होप्स हैं कि नहीं सिर्फ मैं नहीं आ मेरा सदका जारिया भी बनाए सही। आ मेरी औलादों को भी जो है हिदायत पर रखें और ये शिरक से पाक रखें और आप देखें फिर अल्लाह ताला ने कैसे नवाजा इब्राहिम आलम को कि आज जितने थ्री लार्जेस्ट रिलिजन जो हैं वो अपने आप को इब्राहमिक फेथ्स कहते हैं एंड उसके बाद फिर फादर ऑफ प्रॉफिट्स हैं इब्राहिम और देखें उन्होंने इस चीज़ का ना ख्याल रखा कि मेरे बाद वाली जो मेरी औलादें मेरी जो नस्ल है उसका क्या बनेगा तो हमें भी अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए लेकिन फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए Absolutely. और इसके साथ मैं ना एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने ना एक कोत के आलम है उस्मान खमीस उनसे मैंने सुनी थी बात रमज़ान के बारे में वो कहते हैं कि रमज़ान के इस्तबाल के मामले में ना यानी वन यू आर वेलकमिंग रमज़ान उन्होंने मुसलमानों को ना तीन कैटेगरीज़ में किया एक कुछ लोगों के बारे में वो बात करते हैं कि जो रमज़ान के आने के इंतज़ार में होते हैं और तैयारी करते हैं बकायदा, तैयारी करते हैं और खुश होते हैं वो उन्होंने प्लान्स बनाए होते हैं अपने उन्होंने अपने गोल्स सेट किए होते हैं कि यार रमज़ान आने वाला है मैं ये मेरे गोल्स हैं ये मेरे प्लान्स हैं दे आर लुकिंग फारवर्ड टू तो इट ये मैंने अल्लाह व तआला से मांगना है ये मैंने दुआएं करनी है बहुत खुश होते हैं दे, दे आर लुकिंग फारवर्ड टू तो इट और अगर हम अपने असलाफ के बारे में पढ़ें तो वो छः छः महीने पहले जो है तैयारी करना शुरू कर देते थे रमज़ान के लिए बिल्कुल और वो अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे रोज़े रखना शुरू कर दिया करते थे तो एक ये कैटेगरी है जो लुक फॉर्वर्ड करते हैं जो मेहनत करते हैं जो एस्पायर करते हैं कि यार हमने रमजान में जो है ना अपने गोल्स अचीव करने हैं फिर शेख उस्मान जो है वो दूसरी कैटेगरी बताते हैं वो लोग हैं जो बिल्कुल उनके लिए रमजान होना और, ना, और होना ना, बर... ना होना जो है ना बराबर, है। है। बराबर। बिल्कुल कोई ना उनको ना ना कोई उनकी प्लानिंग होती होती है ना उनको कोई खुशी होती है उनको खुशी बस वो रोजा भी इसीलिए रख रहे होते हैं कि यार अच्छा सब रख रहे हैं बिगाड़ सकें हाँ और ये ये एक अनफॉर्चुनेट कैटेगरी है क्योंकि अगर हम रमजान के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इंसान के पास अपने गुना बख्शवाने की कैसी कैसी रातें इस जी अपने आप को डेवलप करने बिल्कुल के अपने आप को डेवलप करने के लिए रीसेट करने के लिए अल्लाह ताला के साथ जोड़ने के लिए अपने आप को गुना अपने बख्शवाने के लिए तो ये एटीट्यूड रखना कि बिल्कुल बराबर हो मामला तो ये बहुत यानी ईमान का बहुत ही अगर तो हम कहें भी कि ईमान है भी तो बहुत ही कम लेवल है अच्छा तीसरी कैटेगरी जो की है ना वो जरा खौफनाक कैटेगरी है और वो उन लोगों की है ले, उन लोगों की कैटेगरी है जिनको एक किस्म की जो है ना वर्जन होती है रमजान के आने से उनके अंदर जो है ना होता है कि यार क्या है यार हमें रोजा रखना पड़ेगा या बाहर मैं किसी के सामने खा नहीं सकता मैंने खुद अपने कानों से ऐसे लोगों को ऐसी बातें करते ऐसी। सुना है कि उनको होता अच्छे उन्होंने रोजा रखा होता है हम क्यों नहीं खा सकते बस उनको होता उनको तकलीफ होती है कि रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं

Uh, बातें तब्दील हो और जाहिर ना हो मेरे नज़दीक ये कॉन्ट्रोडिक्शन हो नहीं सकता hmm. कि इंसान जो है ना अपने इंटरनल को चेंज करे और उसका जाहिर को एक्सटर्नल पे हो ही ना hmm. तो सो दीस बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड लेकिन अगर आप इससे पूछेंगे अहम इनमें से कौन सा है नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर यानी अहम इन दोनों में से बातिन ही है hmm. बातिन सबसे अहम है और अगर वो सच्चा होगा तो जाहिर ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा Definitely. लेकिन Definitely. वट इज़ इजियर इसकी आप अपना ज़ाहिर चेंज कर लो लेकिन बातें को ना करो चेंज और उसमें वही वो, वो तो निफाक है और वही तो सबसे चीज़। बिल्कुल, प्रॉब्लम चीज़ली मेरी नज़र में जो इसके हवाले से जो आपने बात की ना उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं एक कुछ ज़ाहरी अमाल होते हैं और एक बातनी अमाल होते हैं और जैसे अहमद भाई ने भी बात की कि एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट होता है बातनी के अमाल कोई करना यानी दिली अमाल मुश्किल भी होते हैं लॉन्ग लास्टिंग भी होती है उसमें एफ़र्ट भी ज़्यादा होती है मिसाल के तौर पर दिली अमाल का मतलब अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह पे तवक्ल अल्लाह का खौफ अल्लाह पर उम्मीद सबर ये सारी चीज़ें कितनी मुश्किल काम है बाहिर नमाज बज़ाहिर नमाज हमें मुश्किल लगती है लेकिन इसको कम्पेरिज़न करें कि किर करना मुश्किल पर और ये वो जब तक इंसान अल्लाह की इतात पर नहीं कर सकता नमाज नहीं पढ़ सकता मुमकिन ही नहीं तो इन अदर वर्ड्स इस टाइकॉटमी पर इस्लाम बिलीव नहीं करता ज़ाहिर और बात नहीं बाद की डाकॉटमी में ये बहुत एक स्टूपिड ये मेरा ख्याल है ये इगनोरेमस शख्स की बात है जो ये कहता है कि जी मैं दिली नमाज पढ़ लेता हूँ और मेरा दिल बड़ा साफ़ है और जाहिर पे उसका असर नहीं होता मेरा ख्याल है कि ये इम्पॉसिबल बात है ईमान क्योंकि ईमान की डेफिनेशन के अंदर शामिल है कि अल ईमान विल कल भी होता है और बिलआमल भी होता है तो वही एक ही ईमान है जिसका एक जाहिर दिल पर हो रहा होता है और वो इसलिए भी अराइज होता है लोग मिसालें देते हैं कि जी वो फलाना बंदा नमाजी है लेकिन वो हकूको लिबाद में अच्छा नहीं है या फलाना बंदा हाजी है लेकिन वो अपने बेटियों को रिरासत में हिस्सा ही नहीं दे रहा है तो लोग फिर पुट ऑफ हो जाते हैं और कहते हैं कि यार ये इसका मतलब कि जो जाहरी इन्होंने चीज़ें रखी हैं उसका कोई फायदा नहीं 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 वो असल में जिस अमल की वजह से जो जाहिर में बान में जिस जिस नीयत की वजह से ये जिस वो दिल के अमल की वजह से वो ज़ाहिर अमल हो रहा है वो वाला तो अमल है लेकिन दूसरा अमल नहीं है ना यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है जी बड़ा नमाजी है वो नमाजी क्यों पढ़ता है उसके अंदर में अल्लाह का खौफ है। इस बात का तो इस है ना कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है वो तो अमल है लेकिन उसके साथ साथ एक और अमल भी है वही है कि अल्लाह ताला के मामला पर भी अल्लाह की ताद करना वहाँ पे कमी है तो जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही तो इन अदर वर्ड्स ये नहीं है कि वो दिल दिल उसका जो है बिल्कुल बुरा है और जाहिर अच्छा है ये मुमकिन नहीं है यानी ये चीज़ लॉजिक के भी खिलाफ है और ये चीज़ दीनी फलसफे के भी खिलाफ है मैं यहाँ पर बहर ये बात तो एक पूरी लंबी है मैं इसमें एक जो चीज़ ख़ास तौर पर आखिरी में करना चाहता हूँ उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप ना जादू के हवाले से ज़रूर जिक्र करें क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है मसला ऑन अ सीरियस नोट में मजीद में फ़हल क़ा आदम रबी कलीमात इन फ़ताब अली जो है ना ये इसकी है ना यकीमा जैसे बयान की है कि अल्लाह तौर ने जब उन्होंने गलती हुई सैदिन आदमी सलासलम से आदम लम्बा वाक्य है तो उन्होंने अल्लाह तै ने उनको फिर कलिमत सिखाई और वह कलमत शुरफ में है कौला रब्बनालमान फसलम तफली दुआ है कि अल्लाह तसी गुना होगी और अगर तूने माफ़ नहीं किया तो हम खसाराने वालों में सोचेंगे पता ये चला कि अल्लाह ताला अल्लाह से माफ़ी मांगने का तरीक़ा भी अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है और अल्लाह से शुक्र अदा करने का भी तरीका अल्लाह ने सीखा यानी इंसान इतना कमज़ोर है तो वो ये भी नहीं ख़ुद डिटर्मिन कर सकता कि मैंने अपने, अपने अल्लाह को राशि किस तरह करना वो इतना, इतना कमज़ोर है ये भी नहीं कर सकता कि मैंने अपने गुना किस तरह यानी अल्लाह अगर नाराज़ है तो मनाना कैसे है। और अगर अल्लाह ने कोई नहमत की है तो उसका शुक्र कैसे अदा करना तो हर हालत में हम जिस तरीके से हिदायत के लिए अल्लाह पे मोहताज है अल्लाह के मोहताज हैं हम शुक्र किस तरह अदा करना है नेमतों पर वो भी अल्लाह के मोहताज हैं और अगर अल्लाह तारा ने मुनाफ़ अगर, अगर यानी ला मल जा, ला मन जा का मैं गुना भी कर लूँगा अल्लाह भाग के मैंने तेरे पास ही आना जिस तरह एक बच्चा है ना वो जो मर्ज़ी कर ले आ जाके उसे माँ के पास ही जाना है उसको ये भी नहीं पता कि मैंने जाके किस तरीके से अपने आप को इसे पता चला कि हमें कुरान सन्नत को यानी इस हर मसले के लिए हमें कंसल्ट करना है बाहिर वो आ, छोटा हो या बड़ा हो अरे भाई मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ैसितमाम नबी बेनमर वजऊ जी की जयत है ना ये शैतान के हवाले से शैतिन के हवाले से और ख़ास पर पे पे जो खानदान के हवाले से बात की है काफ़ी लंबी आयत है लेकिन ये कि इसमें एक बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ इन वो है कि वमा हम बेजो रीन अभी भीज़्ल्ह के आ, दे व नाट टू ब्रिंग हार्मी वन विदाउट दिल ऑफ़ अल्लाह के ईज़न के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता तो देखें बहुत से लोग जो है ना वो बात बात पे खौफ खाते हैं शक करते हैं कि जी जादू हो गया और फिर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे आज कल लोग हैं कि उनके पास आप जाओ वो दो तीन साइंस के कहते हैं तो जी बहुत बड़ा आप पे असर हुआ है या जादू हुआ है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि लोगों को खुशखबरियाँ दो बशारते दो वो तो फियर इंस्टिल कर रहे हैं मजीद जबकि सलूशन ये है कि भाई अल्लाह की मदद मैंने पकड़नी है उसकी मदद के बगैर मैं नहीं ये चीज़ ख़त्म कर सकता तो लोगों को मैं यही इसी तरह तोज् दिलाऊंगा कि जादू हुआ है या नहीं हुआ ये पता लगा के आपको क्या मिल जाएगा जबकि उसका सलूशन सेम है उसका सलूशन रुकिया है और जादू ख़त्म हो जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी दिया ना कि उन पर भी हुआ हुँ। तो मैं कहता हूँ ख़त्म भी तो हो गया था ना मुवज़ा तैन पढ़ के तो इसलिए आई बिलीव कि जितना तवक्ल है ना जितना बिलीफ आपका स्ट्रॉग है और अल्लाह के बारे में आपकी जो एजम्पन है जिसे कहते हैं जन है जैसे अल्लाह ने कहा ना कि मैं अपने बंदे के जन के मुताबिक तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं नहीं मुझ पर जादू हो गया इवन दो लोग सुरह बकरा पढ़ रहे होते हैं डेली उसके बावजूद कहते हैं कि हम पे जादू हो गया हम पे असर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको बिलीफ ही नहीं है सूरह बकरा से शयातन भाग जाते हैं तो ये आया इसके इस पार्ट पे बहुत गौर करें कि अल्लाह के इज़्जन के बग़ैर जो है और जैसे कि बयान किया ना कि यहाँ पे कुरान मजीद में जितने भी जादू की दो तीन मिसालें हैं दो ही बड़े जिक्र हुए हैं जादू के एक मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक और दूसरा जो है वो हक़ से रोकना जैसे से साल सा, तो दो ही वाकत हैं दो ही एक हाबील बेबिलन का वाक़ है बेबिलोनियंस जो थे उनका वाक है और एक सही राम साली दोनों जगहों पर दो बड़े अहदाफ हैं अल्लाह इससे पता चलता है कि मियाँ बीवी के तल्क़ात और ख़ानदानी निज़ाम है वो अल्लाह के नज़दीक इतनी अहमियत है और जादू का सारा जो दारो मदार है वो इन दो चीज़ों पर हक़ से रोकना और दूसरा ये कि मियाँ बीवी के दरियान फ़र्क करना तो अल्लाह ताला हमारे खानदान को मजबूत करे और इनशाला जो चैप्टर टू है उसमें कुछ अहकाम भी आएंगे तलाक बह के तो उसमें भी हम अपने रिफ्लेक्शन शेयर करेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला अल्ला ने खानदानी निज़ाम को बंद किया तो भाई का